यस यस गुरुआं पीरां पैगंबरां दी धरती पंजाब पंजाब दे कुगवस दे शहर खन्ना। दोस्तों अज मैं थोनू इना गुरु पीर पैगंबरां दे शहर खन्ने दे इतिहास बारे दसन जा रहा है। इतिहास कोई बहुत बड़ा लंबा नहीं, मैं गल करांगा जदों करोना वायरस की मार साडे इस रंगले पंजाब ते पई उदों मेरा खन्ना शहर की सी ते अज मेरे खन्ने शहर का क्या हाल हो चुका है। वह बाजार वह गलियां सुनियां जापदियां ने जिथे कदे लखां लोग बाहरों आके इतों समान खरीदे सी। मेरे शहर दियां गलियां जिथे हमेशा ही रौनक रहिंदी सी अज मेरे उस एरिए का क्या हाल हो चुका है, मेरे उस मुहल्ले का की हाल हो चुका है अते मेरे उस रंगले शहर का की हाल हो चुका है। मैं थोनू ले चलांगा शहर के अलग अलग इलाकों के बाजारों के जिथे भारी रौनक होंदिया सी, लोग दूर दराडे तो कपड़ा खरीदने वास्ते मनियारी का समान खरीदने वास्ते साढ़े खन्ने शहर आते। एशिया की सब तो बड़ी अनाज मंडी भी ले चलांगा जिथे अज आलम यह है कि मंडियां सुनिया पईयां ने, बाजार खाली पए ने, गलियां सुनसान पईयां ने, आखिर क्यों क्या कारण है। सो आओ सब तो पहला थोनू लै चलदा हाँ साढ़े खन्ने शहर के ललहेड़ी रोड पुल के उपर। तो दोस्तों ये है मेरे खन्ने शहर का दलहेड़ी रोड का ओवरब्रिज। ओवरब्रिज जिथे कि सवेरे लोग बाहरों घूम फिर भी आते हैं, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होंगे जो तो लोग उरे सवेरे घूमते हैं। तो तुम हूँ देख रहे हो मेरी बिल्कुल बैक साइड से कि सुनसान पिया होया पूरा इलाका दलहेड़ी रोड का जरा पुल है। तुम मेरी बिल्कुल बैक साइड पर ललहेड़ी रोड, ललहेड़ी रोड चौंक जिहड़ा है जिथे ज़्यादातर लोगों के धरने लगते हैं, जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने सियासी पार्टियां उरे लोग जिहड़ी है धरने भी दिंदियां ने। इहनूं इक तरह का चंडीगढ़ का मटका चौंक भी कहा जाता है। जेकर असीं रश की गल करिए तां इत्थे हमेशा ही रश रहिंदा है। दूजे पासे तुसीं देख लो कि पुलिस प्रशासन जिहड़ा है अपना काम कर रही है, दूसरे पासे पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। लगातार जी ड्यूटी दी जा रही है पुलिस प्रशासन वालों, आए गए नूं हर एक नूं चैक किया जाता है। सो एक पासे जी है प्रशासन अपना काम कर रही है, दूसरे पासे तुम देख रहे हो कि इस टाइम जिहड़ा है ये गलियां सुनसान जापदियां ने। हुण मैं तुहानूं लै चलदा हाँ खन्ने शहर की बुक मार्केट के। दोस्तों असं पहुँच चुके हाँ बुक मार्केट जिहड़ी कि ललहेड़ी रोड के बिल्कुल सामने है। जेकर तुसी मेरी बैक साइड के सारे पासे झाती मारो तो दुकाना इस टाइम बिल्कुल बंद पईयां ने, चारों पासे परिंदा तक भी जिहड़ा है इत्थे पर नहीं मार रहा। जदों करफ्यू नहीं लग्या होया सी, करोना वायरस की मार नहीं सी खन्ने शहर के, इत्थे पूरियां रौनकां देखण नूं मिलदियां सी हर दुकान के उपर, क्योंकि यह बच्चों दीआं किताबां कापियां दी दुकानां ने। हर टाइम जो है उरे रौनक रहिंदी है बच्चों दीआं उन्हां दे पेरेंट्स दीआं समान लैण वास्ते। और इस तो इलावा यह जो रस्ता है ये काफ़ी मकबूल भी है, काफ़ी जानिया पछाणिया रस्ता है, कई स्कूलों नूं लगता है रस्ता। इस तो इलावा इस बाज़ार चों निकल के जिंदगी का आखिरी पड़ाव जिहड़ा है वह भी इस रस्ते तो अगे जाता है। सो हुण तुसीं देख रहे हो कि बिल्कुल सुनसान पिया है, और बिल्कुल ये जिहड़ा है चांदला मार्केट जिहनूं कि काफ़ी मशहूर एरिया है चांदला मार्केट का, बिल्कुल चांदला मार्केट भी देख रहे हो कि सुनसान पे है, दुकाना बिल्कुल बंद ने। कुछ लोग जिहड़े हैं तफरा तफरी करते हुए बाहर निकलते हैं, और अजिहे ही लोग अज खुली जेलों के विच भी सड़ रहे हैं।
सो बार बार प्रशासन दे मना कर। यस दोस्तों, हुण साडी टीम जिस जगह ते पहुंची है, ये है खन्ना दा सराफा बाजार। सराफा बाजार जिथे कि हर समय रौनक रहिंदी सी कर्फ्यू लगन तो बाद, हुण तुसीं देख रहे हो कि टामा टामा दुकान ही खुली हुई है। सराफा बाजार दे विच कुछ एक हकीम दी दुकान है, इस तों अलावा कुछ दंदा दी दुकानां ने, एक दो दुकानां खुलन तो बाजार जिहड़ी है बाकी बाजार टोटल ही बंद दिखाई दे रहा है। ये मार है करोना की। करोना कारण अज हर एक बाजार के जो रौनक सी वह घट देखने मिल रही हैं। टामा टामा लोग ही घरों बाहर निकल रहे हैं, गलियां सुनिया पईआं ने, लोग अपने घरां दे विच कैद ने। सो मेरी तुसीं बिल्कुल बैक साइड पर देख रहे हो कि पूरा सराफा बाजार जिहड़ा है लगभग 99% जिहड़ा है सराफा बाजार बंद पिया। सो दोस्तों, साड़ी टीम पहुँच चुकी है सुभाष बाजार के। सुभाष बाजार जिन्हों की खन्ना शहर का दिल कहा जा सकता है, इत्थे कपड़े दियाँ होलसेल दियाँ अते रिटेल दियाँ भारी मात्रा च दुकाना, जिथे लगभग खन्ना शहर के पूरे डिस्ट्रिक्ट तों लोग जिहड़े ने इत्थों कपड़ा खरीदन आते सी। जेकर अज गल करोना तो बाद जिहड़ा करफ्यू लग्या होया गल करिए, तां टोटल जिहड़ा है, सब तो पहला जदों करफ्यू लग्या सी इस बाजार वाले ने अपने बाजार बंद करन दी गल जिहड़ी है खन्ना दे SSP साहब नूं कीती सी। अज तुसीं देख रहे हो कि 100% जिहड़ा है ये बाजार बंद पिया है, जिथे कदे हजारां पब्लिक जिहड़ी है इत्थों लंघन नूं जिहड़ा रस्ता नहीं हुंदा सी। अज आलम यह है कि जेकर तुसीं इत्थों कोई मिनी टैंपू भी कढ़ो, ट्रक भी कढ़ो, तां उह भी इस बाजार दे विच्चों गुजर सकदा है। दूर दूर तक जिहड़ी है निगाह जा रही है दुकानां दे उप्पर, दुकानां बंद पईआं ने, कस्टमर दा नामो निशान नहीं। ये आलम है साढ़े करोना वायरस तो बाद लगे करफ्यू का। सो दोस्तों, ये है करनैल सिंह रोड। मैं थोनों शहर के अलग अलग बाजारों में लेके जा रहे हैं। करनैल सिंह रोड जिथे कि कपड़े दियाँ सब तो बड़िया दुकाना ने साढ़े खन्ने की, शहर की सब तो बड़ी दुकान रूप साड़ी केंद्र, इस तो अलावा शीतल गारमेंट, शीतल लाइफ स्टाइल, ये सारिया दुकाना इस बाजार के मौजूद ने, जिथे हर समय जरा है। जेकर यह रात को दुकाना खोलन तो कस्टमर रात को भी इन दुकाना पर दिखाई दे सकता है, लेकिन अज पूरे 15 दिन बाद आलम यह है कि इस बाजार के कोई भी जरा है ना तो कोई गाहक है और ना ही लोगों की आवाजाई है। सुनसान हुई पड़े इस खन्ने शहर दियाँ ये जगावं जिथे लखा लोग पहुँचते सी, लखा लोग पिंड चो आके इतों समान खरीदते सी। गल खाली बाजारा की नहीं, गल जेकर मैं थोनू साढ़े एशिया की सब तो बड़ी अनाज मंडी की करा, तो अनाज मंडी विच भी इस टाइम सन्नाटा छाया होया है। ये सब मार है करोना वायरस की। हुण लै चलदा तुहानूं मैं एशिया की सब तो बड़ी अनाज मंडी खन्ना दे विच। तो दोस्तो, हुण मैं जिस जगह पर खड़ा हाँ, ये जगह साढ़े खन्ने शहर का दिल मनिया जाता है, क्योंकि जिहड़ा भी कस्टमर बाहरों इत्थे आंदा है अपनी गड्डियां दे विच, उन्हां नूं गड्डियां खड़न वास्ते इस जगह दे उप्पर वो अपनियां गड्डियां खड़ियां करदे ने। जिहड़ियां हुण तुसीं गड्डियां खड़ियां देख रहे हो, ये गड्डियां इस इलाके च रहिण वाले लोगों लई ने। इत्थे आलम यह हुंदा है कि चारों पासे गड्डियां ही गड्डियां खड़ियां दिखाई दिंदियां ने उन्हां कस्टमरां दीआं, जिहड़े कस्टमर बाजार दे विच्चों समान खरीदण आंदे ने। पर अज ना तां उरे कोई ठेकेदार दिखाई दे रिहा है जिन्हां वल्लों इत्थे परची कट्टी जांदी सी, अते ना ही इत्थे लोग दिखाई दिंदे ने जिहड़े इस जगह तो समान खरीदण आंदे सी। गलियां सुनिया, रस्ते सुनसान, टामा टामा लोग ही जिहड़े ने इत्थों कदे कदे दिखाई दिंदे ने, क्योंकि मंडी जा रहे सी, सोचिया मंडी तो पहला इस जगह बारे भी जिहड़ा है तुहानूं जिहनूं दसां। इत्थे चिकन कॉर्नर भी है जिथे कि रात नूं भारी
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਚਿਕਨ ਕੋਰਨਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨਸਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਛ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਾਵਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸੁਨਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਵਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
तो दोस्तों ये है खन्ने का समराला चौंक, समराला चौंक जिथों की पठानकोट तो जी है सारी ट्रैफिक इस रस्ते जो होंदे हुए वापस जी है जाती है, कोई दिल्ली जा रही है, किसी ने दिल्ली जाना है या कहीं भी जाना है, इस रस्ते जो होकर जी है वो ट्रैफिक इधरों निकलती है। इतने बहुत ज़्यादा रश जरा है देखने को मिलता है, लेकिन हम तुम देख रहे हो कि बिल्कुल सुनसान सड़क पे, समराला रोड बिल्कुल सुनसान पे है। पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पुलिस प्रशासन तो बगैर इस टाइम टामा टामा लोग ही इस रोड पर दिखाई दे रहे हैं। रस्ते बिल्कुल तुम देख रहे थे कि समराला रोड भी खाली पे है, जी टी रोड के उपर भी कोई दूर दुराडे जाने वाला लोग ही जोड़े हैं इतने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जेकर असी गल खन्ना दे रेलवे रोड की करिए, रेलवे रोड जिथे असी पहुँच चुके हाँ, इत्थे करियाने दी होलसेल दी दुकानां ने, इन्हां दुकानां दे विच किसी किसी लोगों नूं जिहड़ा है परमिशन मिली है SDM साहब कोलों डोर टू डोर करियाना पहुँचाउण दी। तुसीं देख रहे हो कि दुकानां कुछ खुल्लियां भी ने, इत्थों होम डिलीवरी जिहड़ी है की जा रही है आम पब्लिक नूं, जिहड़े व्हाट्सएप के उपर अपना समान लिखांदे ने, कुछ दुकानां जिन्हां नूं लाइसेंस मिलिया होया है। सामने देख रहे हो कि दुकाना खुलिया ने, टैंपू जिहड़े ने समान लेके आए हैं, लेकिन इस तों बावजूद कुछ लोग जिहड़ा है रिटेल दे विच भी समान खरीदने वास्ते उरे खड़े ने। इस तों पहलां उरे लगातार पुलिस प्रशासन का जिहड़ा है उरे पुलिस प्रशासन के कोई ना कोई लोग खड़े रहिंदे सी, लेकिन अज पुलिस प्रशासन का कोई भी मुलाजम जिहड़ा है इत्थे खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे पासे जिहड़ा कट्ठ देख रहे हो दुकाना दे अगे हजे भी कट्ठ है, ये करोना वायरस को देने वास्ते जी है मैं कह रहा कि बुलावा दिता जा रहा है, बार बार प्रशासन के मना करन दे बावजूद भी जिहड़े हैं लोग इत्थे कट्ठे होए हुए ने दुकाना के बाहर, कट्ठ देखने मिल रहा है। तुसीं बिल्कुल देख रहे हो कि सरेआम धज्जियां उड़ाइया जा रही ने, प्रशासन वालों दित्ती चेतावनी दियां क्या इन्हां लोगों वास्ते करफ्यू नहीं है। एक आम लोग जेकर दवाई लैन वास्ते घरों लोग बाहर निकलते हैं तां उन्हां नूं ओपन जेल दे विच बंद कर दिता जाता है, लेकिन इत्थे सरेआम धज्जियां उड़ रही ने, लोग रिटेल दे विच भी समान खरीदने वास्ते जिहड़े हैं तुसीं देख रहे हो कि लेडी जिहड़ी है समान लैके आ रही है। दोस्तों ये है खन्ने का रेलवे स्टेशन, खन्ने का रेलवे स्टेशन जिथे हर समय लखां लोग जिहड़े हैं इत्थे कोई बाहर जाता सी ते कोई बाहरों इत्थे आता सी। अज तुसीं देख रहे हो कि करफ्यू लगन तो बाद सिर्फ एक दो गड्डियां ही जांदियां ने, वह भी माल गड्डियां जिहड़ियां इस स्टेशन ते आके रुकदियां ने ते इत्थों निकल जांदियां ने। अज इस स्टेशन का आलम यह है कि बाहर तुसीं देख रहे हो कि रस्सियां लगा के जरा है इसनों बंद किया होया, क्योंकि इतने कोई गेट नहीं, इतने हर समय जरा है लोगों की आवाजाही रही थी, चाहे वह रात का समा हों चाहे दिन का समा हों, जिन्या गड्डिया इतों निकल दिया सी, लोग कोई बाहर जा रहा सी, कोई बाहरों अंदर आ रहा सीगा। अज ज़्यादा करफ्यू लग्या होया है, इतने तुम देख रहे हो कि कोई भी लोग जोड़े हैं उरे ना कोई जान वाला है ना कोई आने वाला है, बाहर रस्सियां लगा के इस गेट को बंद कर दिता गया है। ये मार है करोना की, जो कि पिछले 15 दिन तो बिल्कुल ही सुनसान हो खन्ने शहर दियाँ सड़क मुहल्ले बाजार इतों तक के रेलवे स्टेशन जिथे कि हर समय रौनक रही सी, अज आलम यह है कि कुछ गड्डिया जो माल गड्डिया ने उ खड़िया दिखाई दे रही ने।
है खन्ना शहर का अमलोह रोड। तुम देख रहे हो कि अमलोह रोड के उपर पुलिस वालों जरा है नाका लगाया गया है। अमलोह रोड चौंक के पुलिस का प्रशासन का नाका लग्या होया है तो चैकिंग जी है रस्ते च रोक के गड्डिया जी चलो दोस्तों देख रहे हो कि यह है खन्ना शहर का अमलोह रोड जिथे कि पुलिस प्रशासन वालों नाका लगाया गया है। आंदियां गड्डिया चेक किया जा रहा है तो बिल्कुल तुम देख रहे थे कि इतने पुलिस प्रशासन रेगुलर जरा है इतने नाका लगा के चैकिंग करती है आते जाते लोगों की और बाकी जो है जिमें सारा दिखा रहा है कि बिल्कुल सुनसान पे है चैकिंग जी है पुलिस प्रशासन बिल्कुल तुम देख रहे हो कि गड्डिया रोकया जा रहा है गड्डिया रोक के उन्होंने रेगुलर जी है चैकिंग की जा रही है उन्होंने कागज चैक किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन जी है मुस्तैदी के नाल पूरा देखो पास भी है कार दर। खन्ने शहर के बस स्टैंड का आलम यह है जब तो करफ्यू लगे जब तो रोड बंद किया गया बसा बंद किया गया तो देख रहे हो कि बसा लगातार जरिया ने इतें ही खड़िया ने ना अज इन बसा के बीच कोई ड्राइवर दिखाई दे रहा है ना कोई कंडक्टर दिखाई दे रहा है ना ही सवारियां दिखाई दे रही ने। यह बस स्टैंड के उपर जिथे हमेशा ही रौनक रहा बाहर जिहड़े ने कोई अखबार बेच रहा है कोई फल बेच रहा सी अते कोई टिकटां कटन वास्ते होंका दे रहा सी लुधियाना जलंधर बाईपास ये आवाज़ां अक्सर सानू इस बस स्टैंड के उपर सुनन नू दिखाई दे रही सी लेकिन अज ये आवाज़ां तो बगैर सानू चिड़िया दियां आवाज़ां तां जरूर दिखाई दे रही ने पर इस बस स्टैंड के विच ना तो कोई सवारी दिखाई दे रही है ना ही सानू इत्थे कोई ड्राइवर जां कंडक्टर ही दिखाई दे रहा है। इन्हां बसां नू अज चलाण वाला जिहड़ा है वह अपने घरां दे विच बैठा है। इस दे बस दे विच बैठण वालियां सवारियां भी अपने घरां दे विच कैद होईयां होईयां ने। यह कैद जिहड़ी है यह है करोना की मार कारण जिहड़ा है इस तों बचाव वास्ते पब्लिक वल्लों पब्लिक नू जो बार बार निवेदन किया गया करफ्यू लगाया गया कि अपने घरां च बैठो करफ्यू तो जिहड़ी है इस कारण जिहड़ी है करोना नू असीं मार दे सकदे हां जेकर असी अपने घर के बैठते हो। तुम देख रहे हो कि मैं थोड़ा पूरे खन्ने शहर का जरा है रौन कढ़िया है पूरे खन्ना शहर का कि खन्ने शहर के टावा टावा लोग ही जी है कानून नू जरा है दाते लगा रहे हैं कानून दियाँ धज्जियां उड़ाते हुए एक दो एरिए ही जिथे कानून दियाँ धज्जियां उड़ाइया जा रही ने पर कानून का कुछ नहीं जाना जाना है तो अपना जाना है अपने परिवार का जाना है। सो जो प्रशासन कह रहा है उसके मुताबिक अपने घर बैठो। तुम देख रहे हो कि जेकर हालात में ना संभालिया गया जेकर करोना फैल गया फिर टामा टामा जगह ही सानू लोग दिखाई देंगे किते किते दीवा जलदा दिखाई देगा। जेकर असी इस रोकना चाहते हैं तो सानू अपने घर बैठ के प्रशासन का साथ देने की लोड़ है प्रशासन की हर एक गल मन की लोड़ है घर चो बाहर ना निकलो ना निकलो ना निकलो। सो ये सारा है खन्ने शहर का तुहानू पूरा माहौल दिखाया कि किथे किथे की हो रहा है। जदों असी खन्ने तो गल किसे पूरे पंजाब की करते तो अज पंजाब दे विच भी टोटल जिहड़ा है करफ्यू का माहौल बनया होया करफ्यू लग्या होया है और काफ़ी केस जड़े पंजाब दे विच जिहड़े ने करोना दे आ चुके ने। जेकर असी अपने खन्ने शहर नू बचाना है तां सानू अपने घरां दे विच ही रुकना पवेगा घरां दे विच ही कैद होना पवेगा अपने आप नू कैद करना पवेगा।
दोस्तों मेरी बैक साइड पर तुम देख रहे हो ये वो एरिया है जिन्हों असी जी टी बी मार्केट कहने हैं। जी टी बी मार्केट के सब तो ज़्यादा खन्ने के जे कोई रौनक है तो जी टी बी मार्केट के होंगी है। सवेरे लगभग 9 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक उ हज़ार स्टूडेंट जोड़े ने इतने आईलैट्स करवाते हैं। जिन्हिया भी तुम बिल्डिंगा देख रहे हो ये सारिया बिल्डिंगा आईलैट सेंटर ने जिथे बच्चों विदेशों से जाने वास्ते आईलैट्स कराई जाती है, विदेश भेजन वास्ते उ बच्चों जानकारी दी जाती है। इतने जो तुम सवेरे लगभग 9 बजे करीब साढ़े 9 बजे के करीब आने तो इतने थोनू खड़न भी जगह नहीं मिलती। सारे पास गड्डियां स्कूटरों के नाल ये एरिया भरिया होंदा है तो हज़ार बच्चे जिहड़े ने इत्थे पढ़ाई करने वास्ते इत्थे पहुँचते हैं। तुम अज देख रहे हो कि बिल्कुल सुनसान होया पिया है। अज बच्चे ना तो कनेडा वाल देख रहे हैं, ना अमरीका वाल देख रहे हैं, ना जापान ही वाल देख रहे हैं। उन्होंने दिमाग सिर्फ एको ही गल है करोना, क्योंकि ये जो महामारी है खाली इंडिया के ही नहीं पूरी दुनिया के इसने अपना कहर मचाया होया है। अज बच्चों के दिमाग के उपर कनेडा अमरीका जी कि बिल्कुल मैं कह सकता कि भरया होया दिमाग के कनेडा जाना या अमरीका जाना है। अज तुम देख रहे हो कि बिल्कुल सुनसान पे ने यह इलाके जिथे कदे सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक हज़ार लोग जोड़े ने हज़ार बच्चे स्टूडेंट जोड़े इतने स्टडी करना आते हैं, आईलैट्स करना आते हैं, लेकिन अज बिल्कुल सुनसान दूर दूर तक थोनू एक भी बच्चा जरा है इतने दिखाई नहीं दे रहा। दुकाना खाली, शटर लगे हुए ने, लोग लगे हुए ने। सो दोस्तों अज भी समझन की लोड़ है, करोना ते काबू पाया जा सकता है। करोना ते काबू साढ़े जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा सी कि अपने घरां दे विच रहो, चैन नू तोड़न की गल की है कि चैन नू तोड़ा जाए तो असी करोना नू। सो दोस्तों गल एक कि थोनू सारा शहर दिखाया कि सारे शहर का आलम की है। बाजार खाली पे ने, दाणा मंडी खाली पई है, जी टी रोड खाली पे है, लोग अपने घर के पिछले 15 दिन तो हुण असी गल करते हैं कि उन्हां लोगों की जिहड़े लोग रोज़ कमा के रोज़ खाते ने, गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, आखिर उन्हां दा रोजी रोटी का गुजारा किमें चल रहा है, किमें वह रोजी रोटी कमा रहे हैं, किमें वह खा रहे हैं। इस गल दे वल भी ध्यान देने की जरूरत सी, क्या उन्हां दी सपोर्ट सरकारां कर रही ने, क्या उन्हां दी सपोर्ट लोकल प्रशासन कर रहा है। ये अक्सर गल्लां आम सुनने नूं मिलदियां ने कि सरकार वालों राशन दिता जा रहा है, वो राशन पहुँच किन्ने क लोगों तक रहा है, किन्ने क जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुँच रहा है, आखिर वो ढिड भर सौंदे किमें ने, किमें उन्होंने लोगों को रोटी मिल रही है। आओ लै चलता हाँ थोनू मैं उस संस्था के कोल जिहड़ी संस्था पिछले 15 दिनों तो उन्होंने लोगों राशन मुहैया करा रही है, जिहड़े लोग जरूरतमंद ने, गरीब ने, झुंगी झोपड़ियां च रहिंदे ने, किमें उन्होंने लोगों वास्ते राशन तैयार हुंदा है। जिवें मैं थोनू दिखाया सी कि अज पूरा इंडिया जिहड़ा है लॉकडाउन होया होया, लोग अपने घरां च ने, गरीबी
की अत हो चुकी है, लोग भुखे मर रहे हैं, उन्होंने वास्ते जो खाने का इंतजाम किया जा रहा है वह खन्ने शहर दलग अलग संस्थावान वालों किया जा रहा है। लोग जोड़े ने तुम देख रहे हो कि इतने तीन संस्थाव काम कर रही ने, श्री शिव कावड़ सेवा संघ जिन्हों के प्रधान हंसला जी विरानी, बाबा गणपति सेवा संघ, इस तुम अलावा महंत कश्मीर गिरी जी जूना अखाड़ा के जो आगू ने, उन्होंने वालों तुम देख रहे हो कि इतने लंगर तैयार किया जा रहा है। जिमें कि थोड़ा मैं पूरे शहर का जो है रौन कढ़िया है, दाणा मंडी दिखाई है जो खाली पई है, बाजार सुनसान पे ने, लोग अपने अपने घर दुबके हुए ने, पिछले 15 दिनों तो कमाई का कोई साधन नहीं है, उन्होंने रोटी करा मुहैया करा रहे हैं। इस टाइम ये संस्थावान जिहड़ियां दिन रात करके लंगर तैयार कर दिया ने, पक्का लंगर तैयार किया जा रहा है, तुम देख रहे हो कि लंगर बन रहा है, लंगर पैक किया जा रहा है उन्होंने लोगों वास्ते जेडे जरूरतमंद ने। तो दोस्तों मैं जिथे गल कर रहा सी कि यह संस्थावान उन्होंने लोगों को राशन पहुँचा रही ने, जिहड़ियां पिछले 15 दिनों तो लोग अपने घर दे विच ने, उन्हां कोल खाण नूं कुछ नहीं है, रोजी रोटी कमाण नूं कुछ नहीं है, इत्थे लंगर तैयार किया जा रहा सी। लेकिन अज हनुमान जयंती है, कहिंदे ने कि अपने धर्म नूं भी याद किया जा रहा है। अज हनुमान जयंती के उपर इन्हां संस्थावां वालों जिहड़ा है तुसीं देख रहे हो कि कड़ाह प्रसाद वंडिया जा रहा है अपने उन्हां कार्यकर्ताओं नूं, जिहड़े कार्यकर्ता निःशुल्क इत्थे सेवा करदे ने उन्हां वास्ते प्रसाद वंडिया जा रहा है। सो यह है असली सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। दोस्तों इस लंगर दे विच सब तो बड़ी जो गल है, मैं पहले ही गल कर रहा सी कि इत्थे 1500 दे करीब जिहड़ी है दोपहर नूं खाना तैयार किया जाता है, तो 1500 दे करीब रात नूं खाना तैयार किया जाता है उन्होंने लोगों वास्ते। जिवें कि दस्सिया सी आपां ने कि अज बाजार बंद पए ने, गलियां सुनसान पईआं ने, लोग अपने घरां दे विच कैद ने, कम कार नहीं, जेबां च पैसा नहीं है, घर दे विच दाणा नहीं है, उन्हां वास्ते जो रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है, करदा तां परमात्मा है पर करदा किसे दे हीले है। कहिंदे बस नूं चलाउण वास्ते जेकर ड्राइवर नहीं है तां बस नहीं चलाई जा सकदी। इसे तरह जे लंगर की गल करिए, जिहड़े लंगर वरताए जा रहे ने यह धार्मिक संस्थावां वल्लों कराए जा रहे ने, श्री शिव कावड़ सेवा संघ, बाबा गणपति सेवा संघ, महंत कश्मीर गिर जी वालों ये जो लंगर पिछले 14 दिन तो चल रहा है, ये प्रभु की इच्छा मुताबक ही चलाया जा रहा है। और सब तो बड़ी गल है कि इत्थे प्रभु की इच्छा के नाल नाल जिहड़ा है परमात्मा का नाम भी लिता जाता है। तुसीं देख रहे हो कि जोत जिहड़ी है उरे आई हुई है, जिन्हें भी कार्यकर्ता उरे काम करते हैं इन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते मनोकामना भी की जाती है इस मंदिर के विच, तां जो ये लोग तंदुरुस्त रहन, अपने परिवार को तंदुरुस्त रखन, और इत्थे जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता सारे ही निःशुल्क काम कर रहे हैं।